अंसारी साहब, ये नुक्ताचीनी क्यों? ये है सवाल, क्योंकि आप भी मान रहे हैं, आपकी पार्टी भी मान रही है, तमाम नेता भी मान रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या देश की सबसे बड़ी समस्या तो है, प्रॉब्लम तो है। देखिए जमीर अब्बास साहब, बात प्रॉब्लम का नहीं है, फिर बात कोई संविधान में कोई अमेंडमेंट का भी नहीं है, बात कोई बिल लाने का भी नहीं है, बात सिर्फ ये है नियत का कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियत क्या है। अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने जा रहा है तो इनको तरह तरह के बिल लाने की ज़रूरत पड़ गई, मोहन भागवत जी को तरह तरह की बातें कहने की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन अमल करने में अगर दो दिन के बाद देखा जाए तो अमल होता नहीं है। तो ये दिग्भ्रमित करने का इनका प्रयास है। डेमोक्रेसी में आपकी सरकार है, आपको अधिकार है, विधानसभा में कोई बिल लाइए, उस पर डिबेट कीजिए, और ये ट्रेडिशन है कि विपक्षी दल जो होते हैं वो संविधान अनुसार, एक ट्रेडिशन अनुसार डेमोक्रेसी में सरकार के ही एक हिस्सा हैं, तो आप उनके साथ डिबेट कीजिए। तो आप तो डिबेट करेंगे नहीं, इसलिए कि कोई बिल आप मेरिट पर लाना नहीं चाहते हैं, आप तो बिल ला रहे हैं चुनाव की दृष्टि से, भेदभाव की दृष्टि से। और अभी राकेश सिन्हा चले गए, अभी वो कह रहे थे साउथ और नॉर्थ में फर्क है, और तो साउथ और नॉर्थ में एजुकेशन का भी बहुत बड़ा फर्क है, बहुत अंतर है, उसके बारे में तो कभी कोई प्रयास करने की कोशिश नहीं की गई। एजुकेशन का स्तर उत्तर प्रदेश में गिर गया, विश्वविद्यालय कम हो गए, शिक्षा का लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उस पर आपने कुछ नहीं कहा, ठीक है, लेकिन आप ये बिल के सहारे आप अपना एजेंडा, जरा मुझे बोलने दीजिए, और नहीं तो आपको नहीं, आप तो लगातार बोल रहे हैं, कौन आपको रोक रहा है शकील साहब? आपका कुल मिलाकर मतलब यही ना कि ये जनसंख्या नियंत्रण ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन और भी मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, संक्षेप में रखें अपनी बात। नई जनसंख्या नीति पर शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने TV9 भारतवर्ष से क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। बच्चे अल्लाह की देन है, इन पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, वो ये तो कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये बिल जो आ रहा है ये तो हिंदू मुसलमान सबके लिए, जनसंख्या बिल किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये बिल, ये कानून किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि कानून तो सभी के लिए होगा। कल्बे जवाब साहब क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हम लोग तो इस बात के कायल हैं कि भैया आप औलाद जो होती है भगवान की देन होती है, अल्लाह की तरफ से दी जाती है, और जब अल्लाह देता है तो उसके खाने का इंतजाम भी अल्लाह की जिम्मेदारी है, उसका रिज्क भी अल्लाह ही देता है, उसकी रोज़ी भी अल्लाह देता है, जब वो पैदा करता है तो उसके साथ साथ रिज्क की जिम्मेदारी भी, खाने पिलाने पालन की जिम्मेदारी भी उसकी है। और हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। विजय शंकर जी, क्या आपको इस बार सब एकमत होते हुए नजर आ रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण के इस मुद्दे पर ना सिर्फ बात हो बल्कि सख्त कदम उठाए जाएं जिससे वाकई जनसंख्या नियंत्रण मुमकिन हो, ऐसा होता नजर आ रहा है क्या? देखो समीर, हमें दिखाई पड़ रहा है, और जिस प्रकार का एक मत देश में बन रहा है वो बहुत शुभ संकेत है। देखो उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो रही है, आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस है, और उत्तर प्रदेश चूंकि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या का प्रदेश है, वहां से शुरुआत हो रही है। अभी कई प्रश्न उठ रहे थे कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, हम कह रहे अच्छा काम कभी भी प्रारंभ हो उसका स्वागत करना चाहिए। अब आज विमर्श का विषय यह है कि जनसंख्या भारत में बड़ी है, यानी भारत में 100 एकड़ जमीन को 148 लोग बांटते हैं, इंग्लैंड में यही 6 लोग बांटते हैं। अब हम जब सुविधाओं की बात करते हैं तो हम कहते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं है, हम कहते हैं भारत में अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा दूध नहीं मिल रहा है, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन जब इनको पूरा करने का जो मेन उद्देश्य है कि जनसंख्या नियंत्रित हो तब भारत में सब कुछ मिलेगा, वहां पर ये बच्चे जो हैं अल्लाह की देन हो जाते हैं। यानी ये जो जागरूकता है इस पर अब अनुराग भदौरिया जी हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अल्लाह की देन है, उनके साथ खड़े हो जाएंगे। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, शकील अहमद साहब कहेंगे कि हमें समय नहीं दिया जा रहा, इनको पूरा एक घंटे दे दीजिए तो भी कहेंगे समय नहीं दिया जा रहा। आज सबसे बड़ा विषय समीर जी है कि जनसंख्या नियंत्रण दिवस पर जनसंख्या पर एक विमर्श शुरू हुआ है, एक प्रयास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको बिल्कुल स्वागत करना चाहिए और पूरे देश को स्वागत करना चाहिए और स्वागत कर भी रहा है। ठीक है,
ठीक है, एमएच खान साहब जल्दी से आपका एक रिएक्शन, और ये बच्चे अल्लाह की देन, ईश्वर का वरदान, इन सबसे आगे बढ़कर क्या वाकई इस मुद्दे पर न सिर्फ चर्चा बल्कि कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत महसूस हो रही है आपको भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानने के लिए तो तैयार है नहीं? नहीं देखिए, अभी तिवारी जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश शुरुआत कर रहा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तिवारी जी को नहीं मालूम कि बिहार में इसका बिल पास हो चुका है, मध्य प्रदेश में इसका बिल पास हो चुका है, क्या वहां जनसंख्या नियंत्रण हो पाया? नहीं हो पाया। ये जो टाइमिंग है अब्बास साहब, टाइमिंग की सवाल है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में टाइमिंग चुनाव आने वाला है, इसलिए इस बिल को लाया गया है। अब देखिए, आप सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, हम किसी भी बोलते नहीं है। बोलिए। देखिए, अब कहा गया है आयोग की तरफ से कि पोर्टल पर डाल दिया गया है। हाँ। अरे पोर्टल पर डाल दिया गया है तो 70% आबादी गाँव में रहती है, उस पर सुझाव मांगा गया है। गाँव वाले कहाँ से, किसके पास आईफोन है, कौन पोर्टल पर सुझाव देगा, कौन क्या करेगा, ये सबूफा है। फैमिली प्लानिंग विभाग आपका उत्तर प्रदेश में है, ये तो बताइए, और ऑल इंडिया में भी है। फैमिली प्लानिंग से कितने लोगों ने नसबंदी कराया, सवाल नहीं पूछा जाएगा। फैमिली प्लानिंग का अरबों रुपया आया वो कहाँ चला गया, सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। फैमिली, आप जनसंख्या कंट्रोल ले आइए, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक महिला के पास एक बच्चा पहले से है, दूसरा बच्चा उसको हुआ ट्विंस हो गया, या तीन बच्चे हो गए, वो क्या करेगा, उसका क्या दोष है? वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अरे उसके लिए प्रावधान है, पढ़िए तो खान साहब, उसके लिए प्रावधान रखा गया है कि अगर दूसरा बच्चा अगर कोई करता है और वो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो उनको सारी जो सुविधाएं हैं वो वैसे ही मिलेंगी जैसे टू चाइल्ड पॉलिसी को निभाने वाले घर को मिलेगी। कुछ अभी है ही नहीं है, ये कुछ चीजें नहीं है, ये भ्रमित किया जा रहा है। ये तो नहीं, भ्रमित नहीं किया जा रहा है, विधि आयोग ने जो सिफारिशें की है, एमएच खान साहब पढ़िए, उसमें मुझे लगता है बहुत सारे आपके सवालों का जवाब वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन जो ग्रे एरिया है उस पर हम बात करेंगे, और हम चाहते हैं कि अगर कुछ खामियां आप लोगों को नजर आ रही है तो वो सामने आए, क्योंकि सरकार तो सुझाव मांग ही रही है, आप लोग तो कम से कम सुझाव दे सकते हैं कि और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।